प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजीव किमटा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि चंबा में मनोहर हत्याकांड बहुत दर्दनाक और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 24 घंटे के भीतर हथियारों को गिरफ्तार किया और सलाखों के पीछे भेजा। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। इस दौरान उन्होंने भाजपा को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मामले में राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। भाजपा ने एक रैली की कुल्लू के अंदर, जिसमें इनके ऑल इंडिया के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी आए और उन्होंने मंच से कांग्रेस की सरकार के ऊपर काफी टिप्पा टिप्पणी की। और इतना ही नहीं, साथ में उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा पर भी टिप्पा टिप्पणी की। तो मैं कहना चाहूँगा कि प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की नेतृत्व में सरकार बनी है और जो हमारी सरकार ने गारंटी 10 गारंटियों जो वचनबद्ध है, जिसके लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, वो चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। चाहे ओपीएस हमारा मेन मुद्दा था, ओपीएस बहाल कर दिया गया। 1500 महिलाओं की जो पेंशन थी उसको फर्स्ट फेज में कर दिया गया है। और बागवानों को लेकर जो मुद्दे थे कि बागवानों के जो पर केजी के हिसाब से जो सेब दिया जाएगा और उसमें भी बड़ी जिसको बोलते हैं कड़े तरीके से कर दिया कि 24 किलो से ऊपर जो एप्पल के कांटे नहीं गिरेंगे। और साथ में बागवानों का जो एक और मुद्दा था कि इस बारी जो है वो जो कार्टन है चेंज किया जाए और यूनिवर्सल कार्टन की जगह टेलीस्कोपिक किया जाए, तो उसको लेकर भी सरकार गंभीर है और इस सीजन में और अगले सीजन में उसको किया जाए। अगजानी हो रही है वगैरह, और पूरे जो एक हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि के नाम से जाना जाता है और एक बहुत ही शांति प्रिय देश प्रदेश, लेकिन आज भाजपा के लोग उस शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं रीजनलिज्म को लेकर, कहीं ना लेकर कास्टिज्म को लेकर, कहीं ना लेकर और इज्म को लेकर वो राजनीति रोटियां सीखने जा रहे हैं। कारण क्या है कि 2024 में जो आम चुनाव आने हैं उसको लेकर कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, क्योंकि अब उनके पास मुद्दाहीन है, क्योंकि मुद्दा नहीं है। अब मोदी के नाम पर आप लोग कितनी बारी वोट मांगोगे, और इसीलिए इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप लोगों को याद होगा कि एक बारी जब गुड़िया हत्याकांड हुई थी कोटखाई के अंदर, उस वक्त इन्होंने इस तरह का मुद्दा बनाया था, जबकि बावजूद उसके सरकार ने जितने भी आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार किया था और उन्हें सजा भी दी, जबकि अभी भी वो चला हुआ है। लेकिन जयराम सरकार ने उस टाइम भी मुद्दा बनाने के लिए वहां पे सरकारी संपत्ति को कष्ट को फूंक दिया, थाना फूंक दिया। रिजल्ट क्या हुआ? आपने गुड़िया हेल्पलाइन की, आप जब 5 साल सरकार में आपने क्या किया? तो यही है कि जितने भी लोग हैं उन्हें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, एसआईटी गठित कर दी है। और इतना ही नहीं, जो जो यहां पर कुल्लू में घटना घटी थी, आप 2021 से लेकर 2023 अक्टूबर तक आप मुख्यमंत्री थे, आपने उस दंपति की जिनकी उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी परशुराम जी की, क्या आपने उसको लेकर सीबीआई इंक्वायरी कराई? जो आप अभी मांग रहे हैं, आप तो मुख्यमंत्री थे, आपकी तो प्रदेश में सरकार थी, आपकी देश में सरकार थी, आपने तब क्यों नहीं उठाया? बावजूद उसके कि महिला जो है अभी भी बेड रिडन है, उसको आपने क्या न्याय दिलाया? सिंस द मैटर इज इन सब जूडिस और हाईकोर्ट में वो विचाराधीन चला हुआ है, वो उनकी अपनी थी कि उस महिला ने या कुछ और लोगों ने उनकी मदद की और आज कोर्ट में वो केस लड़ रही है। लेकिन आज तो वो तो अपाहिज है और घर में जो उसका हस्बैंड था जो कमाने वाला था वो रहा नहीं है, तो आपने क्या मदद की है? आपने क्यों नहीं सीबीआई जांच की? क्यों नहीं आपने कोई और सेंट्रल एजेंसी की जांच कराई? भाई हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर जयराम ठाकुर चाहते सरकार बिल्कुल तैयार है, सरकार ने तो सिर्फ प्रपोजल भेजने उसके लिए रेडी है। लेकिन अल्टीमेटली आप केंद्र में आपकी सरकार है, आपको क्या दिक्कत है? क्यों आप किसी नॉन इशू को इशू बना रहे? अच्छा रहेगा कि आप लिख के दे, लिखने के बाद सरकार तैयार है कि जो भी जिस तरह की जांच है उसकी जांच के लिए सरकार तैयार है। लेकिन वहीं जो परशुराम की घटना घटी उसमें आपने क्यों नहीं जांच कराई? कारण क्या था? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई कुछ लोग थे जो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, कि उनको लगता कि अगर सीबीआई जांच होगी, दूसरी के अंदर जांच होगी, तो कहीं ना कहीं उनका उस वक्त का कार्यालय भी उसकी लपेट में आएगा। इसीलिए आपने आज दिन तक सीबीआई जांच ना ही कोई सेंट्रल एजेंसी की जांच करवाई। वहीं आप दूसरी तरफ आप बात करते हैं मोदी जी के नाम पे डीमोनेटाइजेशन हुआ। आप सभी को मालूम है कि 2000 के नोट बंद, 1000 के नोट बंद हुए, 500 के नोट बंद हुए। अब दोबारा से फरमान जारी हो गया कि सितंबर तक 2000 के नोट बंद किए। आपको मालूम है कि जिस टाइम डीमोनेटाइजेशन हुआ उस वक्त कितना करोड़ सरकार ने खर्च किया है, ये आरबीआई का डाटा है। उस वक्त पोस्ट डीमोनेटाइजेशन के दौरान 7,965 करोड़
केंद्र सरकार ने खर्च किया है नई करेंसी बनाने के लिए। ये वित्तीय बोझ किसके जेब पे जाएगी? आम जनता के बोझ पे जाएगी, आम महिलाओं के बोझ पे जाएगी। जो महिला है जिन्होंने कुछ ना कुछ अपना एक पूंजी रखी हुई होती है घर में, वो कभी ना कभी जरूरतमंद आने के लिए, वो आप उनके सभी महिलाओं के, अब तो आपने पहले भी डाका डाला 2014 के बाद, और अब आप द्वारा से जो उन महिलाओं ने जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक गाड़ी कमाई रखी हुई है, बैंक बना रखे, अपने पास रखे, उसको बाहर निकाल दें, तो ये समझ सकते हैं कि इनकी कथनी और करनी में क्या फर्क है। सी डी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।